बनाएंगे पानी पूरी। इसके लिए हमें चाहिए व्हाइट मटर, इसको हमने धोकर रात भर भिगो के रखा है, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, खजूर, इमली, गुड़, लहसुन, तेल, हल्दी पाउडर, नींबू का रस, नमक और जीरा। सबसे पहले हम मटर को बॉईल करेंगे। हमें तेज आंच पर 4 सीटी लगानी है। 4 सीटी के बाद हम कुकर को ठंडा होने देंगे। मैंने ये इमली ली है, इमली के अंदर से बीज निकाल कर मैंने अच्छी तरीके से इसे साफ कर दिया है। खजूर लिया है, खजूर के बीज अंदर से निकाल कर अच्छी तरीके से साफ कर दिया है। गुड़ को एकदम छोटा छोटा काटा है। अब हम इन तीनों को मिलाकर इसकी मीठी चटनी बनाएंगे। हमारी मीठी चटनी तैयार है। मीठी चटनी को इस तरीके से बारीक पीस लें। अब हम इन सब को मिलाकर इसे ग्राइंड करेंगे और इसकी तीखी चटनी बनाएंगे। हरी चटनी पीस के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 2 चम्मच नींबू का रस। मिक्स कर लेते अच्छी तरीके से। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। ये इमली हमने भिगा के रखी थी 1 घंटे पहले पानी पूरी के पानी के लिए। हम इसे थोड़ा सा स्मैश कर लेते हैं। जब हम पानी बनाएंगे तो इसे हम छान के पानी में डाल देंगे। अब हम पानी पूरी का पानी बनाएंगे। इसके लिए लेंगे हम पानी। इसमें हमने जो इमली भिगा के रखा हुआ पानी था वो हम इसमें डालेंगे। आपको जितना खट्टा चाहिए उतना पानी आप डाल सकते हैं। हमने इमली का पानी डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक ज्यादा ना डालें क्योंकि जो हम रगड़ा बनाएंगे उसमें भी नमक होगा। अब हम इसमें पुदीने की चटनी डालेंगे ताकि थोड़ा सा तीखा भी आ जाए इसमें। 3 चम्मच डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पानी पूरी का मसाला। ये बाहर मार्केट में आराम से मिल जाता है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इमली के बदले नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हमारा पानी तैयार है। अब हम रगड़ा बनाएंगे। कुकर की 4 सीटी हो चुकी है। अब हम कुकर को ठंडा होने देंगे। मटर अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं। ये जो ऊपर ऊपर निकला हुआ है उसका छिलका उसे निकाल ले। ये वेस्ट है इसे निकाल ले साइड में और इसे फेंक दें। मटर अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। अब हम इसमें मटर डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी थोड़ा सा ज्यादा यूज करें तभी इसका कलर आएगा। अब हम इसमें नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच नमक। मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसे थोड़ा सा पानी सूखने तक पकाना है। ज्यादा पानी नहीं सुखाना है,
अब हमारा पानी थोड़ा सूख गया है, रगड़ा तैयार है। अब हम गैस बंद करेंगे और रगड़ा को ठंडा होने देंगे। रगड़ा ठंडा हो चुका है, हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम पानी पूरी सर्व करेंगे। मीठा चटनी लेंगे, थोड़ा सा तीखा चटनी लेंगे। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा ले सकते हैं। पानी डालेंगे, तो ये थी हमारी पानी पूरी। इस तरीके से इसे बनाएं और सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।